देखो उससे मिलता जुलता एक और क्वेश्चन करते हैं, लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी cos पाई अंडर रूट ऑफ n स्क्वायर प्लस n, है ना। उसी क्वेश्चन से मिलता जुलता देखो एक और ही क्वेश्चन है। देखो करने का मेथड फिर वही है क्या, देखो cos पाई n स्क्वायर प्लस n की पावर 1/2, क्या करेंगे देखो n टेंडिंग टू इंफिनिटी है ना, देखो cos पाई n स्क्वायर कॉमन ले लेंगे है ना, तो बाहर n आ जाएगा और 1 + 1/n^2 है ना, n स्क्वायर कॉमन लेंगे तो बाहर n आ जाएगा, मॉड n आएगा, हालांकि मॉड n को n लिख देंगे क्योंकि n टेंडिंग टू इंफिनिटी है, मतलब n पॉजिटिव है ना, n टेंडिंग टू इंफिनिटी का मतलब n क्या है बोलो, पॉजिटिव। ठीक, अब देखो ये हो गया लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी cos n पाई, देखो बायनोमियल थ्योरम का एक्सपेंशन फिर लगाएंगे यहां पर, तो क्या होगा 1 + 1/2 + n (n-1)/2 (x)² and so on। ठीक है, अब देखो ये फिर से हो जाएगा लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी, देखो n पाई अंदर मल्टीप्लाई करो ब्रैकेट के अंदर, तो क्या हो जाएगा n पाई प्लस, देखो ये क्या हो जाएगा बोलो π/2, n पाई मल्टीप्लाई होगा प्लस, देखो यहां पर भी n पाई मल्टीप्लाई होगा, तो π (-1/8)/(1)(n)/so on ऐसा होगा, देखो यहां पर है ना, अगर n पाई मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा π/2, देखो n पाई मल्टीप्लाई करेंगे n कटेगा पाई रहेगा, ये क्या हो जाएगा बोलो -1/8 ऐसे हो जाएगा। देखो अब देखो यहां पर फिर वही है cos n पाई प्लस थीटा, देखो ऐसा ना cos n पाई प्लस थीटा देखो यहां पर है, देखो फिर वैसे ही करना है क्या cos पाई प्लस थीटा, तो क्या होगा -cos थीटा, cos 2π + θ फिर से क्या होगा बोलो cos θ, तो इसीलिए cos n पाई प्लस थीटा क्या होगा -1 की पावर n cos θ होगा, देखो n ऑड होगा तो वैल्यू माइनस, n इवन होगा तो वैल्यू प्लस, ऐसा हो रहा है। अब देखो यहां पर क्या होगा, ये हो गया cos n पाई प्लस थीटा, ये थीटा हो गया, तो इसको देखो हम फिर से लिख सकते हैं -1 की पावर n और cos थीटा है ना, ऐसे -π/8 (1)(n)/so। अब देखो अगर हम n को रखें इंफिनिटी तो देखो ये सारे टर्म जीरो हो जाएंगे है ना, क्या बचेगा cos π/2 है ना, तो cos π/2 बचेगा और उसकी वैल्यू जीरो होती है। अब -1 की पावर n, -1 की पावर n + 1 भी हो सकता है -1 भी हो सकता है क्योंकि n टेंडिंग टू इंफिनिटी है, अब इंफिनिटी इवन भी हो सकता है ऑड भी, तो ये +1 या -1 कुछ भी हो सकता है, लेकिन ये बचेगा cos π/2 जो जीरो होता है ना, तो कुल मिला के इसका आंसर भी देखो जीरो के इक्वल आ जाएगा है ना। तो जैसा अभी दो क्वेश्चन हमने जैसे किए, इन क्वेश्चन में हमेशा यही है कि बायनोमियल थ्योरम से उसको एक्सपेंड करने की कोशिश करते हैं और अपने आप ही हमको जो रिजल्ट है वो मिल जाएगा है ना। तो लिखो सब बच्चे घर जल्दी से, इसे घर पे सब बच्चे प्रैक्टिस करना बिना देखे हुए इन सारे सवालों की।